बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़कीर रहमान एक दफा फिर आपको कहते हो खुश आमदीद। प्रोग्राम है लोएशिया वेन, हमने तो नाम लिया। कौन है? है ये गड़गच्छे का मामू है। अच्छा। कौन गड़बगच्छे? गड़गच्छे के मामू? नहीं नहीं, ऐसा न करे, मैं उसका मामू, मैं उसका भांजा भी नहीं हूँ। तुम तो मामू का बात करते है। नहीं, कौन है ये? सर ये तो पहली दफे मैंने, यार तू खोलो। मैं नहीं के पास गया, उसने थोड़ा सा मेरा मूछ कम कर दी तो आप मुझे पहचान गए। ये तो सादा गुल है। मैं तो वही सादा गुल हूँ, लेकिन आप लोग जो हो ना थोड़े से बड़े हो के फिर गजीब को नहीं पहचानते कि किस तरह पगड़ी का नहीं। अच्छा, अपना गेंडा का आगा जी शुरू करते हैं प्रोग्राम नाजरीन। और आज के प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आगा जी कहना चाहेंगे, उसके बाद चलते हैं फेक न्यूज पे। आगा जी बिस्मिल्लाह। फेक न्यूज से पहले रियल न्यूज जी। आज मेरा दिल बहुत उदास है। मेरा बड़ा प्यारा दोस्त, आलमी शोहरत याफ्ता, पिशावर की फन मट्टी से जन्म लेने वाला रशीद नाज आज हमें छोड़ के चला गया। लेकिन ये हक का रास्ता है, सबने जाना है, लेकिन जो चले गए वो चले गए। जिंदगी के साथ हमारा तड़ून तो है ना, जिंदगी की सरगर्मियां, मामूलात जिंदगी, ये तो रुक नहीं सकते ना। बिल्कुल, वर्सटाइल एक्टर था, अल्लाह बख्शे, ही वाज अ लेजेंड, बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल जी, तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं फेक न्यूज। जी नाज़रीन, फेक न्यूज के साथ आपके सामने हाजिर है जी। और सबसे पहले मैं जाऊंगा सुट्टो जी, सुट्टो 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 दा सट, ये वाला सट नहीं, वो तो मैं शुरू हो गए जी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अगले 5 साल भी पीटीआई के हैं। तालियां तालियां। अब आगे भी सुनो, फवाद चौधरी साहब आपकी बात तब दुरुस्त होगी कि जब महंगाई और बेरोजगारी के हाथों ये आवाम जिंदा बचेंगे तो फिर अगली हुकूमत आपकी होगी ना। अच्छा जी, पिछो मुड़वे चोरा है? है? वो पिछो मुड़वे चोरा, ये चोर कौन है और पीछे मुड़ कौन है? हाँ। ये आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है। अच्छा। और मुझे नहीं पता ये किसको कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हाँ। ये वो वाला बंदा है। कौन सा बंदा? जो झुका नहीं जी। जो बिका नहीं वाह। वो मुल्क में भी रुका नहीं। वाह वाह वाह। जो झुका नहीं, जो बिका नहीं, वो मुल्क में भी रुका नहीं। एक अभिनंदन था वहा, और एक अभिलंदन है, एक ने वीर चक्कर जीता और एक रफू चक्कर हो गया। हाजी कुछ ज्यादा ही कैंटा कार, अपने ख्वाबो ख्याल में लंदन पहुंच गया। अच्छा सुटो, मोबाइल सार्फिन के लिए खुशखबरी, तालियां तालियां। अभी जब 100 के कार्ड पे आपको 90 रुपए के बजाय 86 रुपए 96 पैसे मिलेंगे, और इससे पहले मियां साहब की हुकूमत में और जरदारी साहब की हुकूमत में जब कटौती होती थी तो हम कहते थे ये पैसे जरदारी साहब और मियां साहब की जेब में जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल है ये पैसे इमरान खान साहब की जेब में जा रहे हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान में तकरीबन 70% यूथ है, आपको पता है ना? बिल्कुल है जी। आपको पता है सादा गुला? मुझे पता है, लेकिन मैं समझता नहीं। अच्छा अकबर, आपको तो पता है ना?
70% यूथ में से इसको तो निकाल लेना, ये तो भूत है। हाँ भूत है, पब्लिक भूत है। तो नाज़रीन जैसे आपको पता है कि 70% यूथ है, तो 70% यूथ हमेशा दो दिन बाद शफकत महमूद साहब को ट्रेंड बना लेती है जी। जी फिर शफकत महमूद साहब इज ट्रेंडिंग। यस। और एक अस्पताल की तालिबात ने तो ये भी क्या कहा है भाई कि हमारी जिंदगियों के जामिन हमारी हुकूमत है जी। बिल्कुल। यानी छुट्टियां दो भाई, बस बात खत्म है। छुट्टियां? हाँ। कितनी छुट्टियां? बस स्टूडेंट है ना, आप जब स्टूडेंट थे आप स्कूल के पीछे पिछवाड़े जाके छुप नहीं जाते थे? मैं छुपता था। हाँ? लेकिन मैं उस दिन छुपता था जिस दिन हमारे जनरल मैथ का टीचर जो गुस्से में होता था तो मैं उस दिन छुपता तो था। बस ये भी ऐसे ही है, शफकत महमूद साहब कहते हैं मैं और कितनी छुट्टियां दूं तुम लोगों को, बस करो जी सुटो। मौलाना फजल रहमान और सरदारी साहब के माँ बहन रबते, मौलाना ने गिला किया कि पीपीपी हर बार बेवफाई करती है, जबकि जरदारी साहब ने कहा कि इस्तीफों की शर्त पे पीडीएम टूटी। मगर आवाम की भी सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मौलाना और जरदारी साहब का रिमोट कंट्रोल जिसके पास है ये सब उसी का कमाल है कि बात अब तक बिगड़ी हुई है। बिगड़ी हुई। नाज़रीन एक खुशखबरी आप मुझसे देते हैं। कौन सी? बड़ी जबरदस्त। कौन सी? तालियां तालियां तालियां। खुशखबरी ये है कि अगले साल सब मरी नहीं जाएंगे। डूब जाता है मड़क खबर हो और एदल करता है कर। पूरा बात सुनो, अगले साल सब हुंजा जाएंगे। तालियां। शुको वहां पे लड़कियों की आइस हॉकी शुरू हो गई, फिगर स्केटिंग शुरू हो गई, तो अब देखिएगा अगले साल कोई मरी नहीं जाएगा, स्वाद नहीं जाएगा, सब हुंजा जा रहे हैं। लड़कियों के लिए खुशखबरी है नहीं जी। आप तो बड़ी खुश हुई होगी वैसे जब ये लड़कियों की आइस हॉकी शुरू हो गई। बिल्कुल। आपने तो बड़ी आइस हॉकी खेली है कनाडा में ना? हाँ, बहुत बहुत। हाँ तो कैसे गेम होती है ये? मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है फ्रिज से निकाली आइस। आइस हॉकी है ना अगर जी? समझा अगर जी, तो अनु नहीं पता, बस रहने दो। ठीक है। बस बर्फ से निकाली फ्रिज से ऐसे बर्फ। अच्छा। उसको ऐसे गोल सा बना के ना रखा और बस अगर आपके पास हॉकी अवेलेबल नहीं है ना, कभी कभी नहीं होती, घर में कोई डंडा पड़ा है तो बस उससे खेलना शुरू कर दो। आइस हॉकी से ही कहते हैं। नाज़रीन ये थी हमारी फेक न्यूज, और फेक न्यूज में भी आपको बताया चलिए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जितने भी हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम आने वाली सर्दियों में इलेक्शन जीतेंगे। सबने कहा है जीतेंगे, सब जीतेंगे। पता नहीं क्यों कहते हैं हमने सर्दियां गर्म करनी है, ये सर्दियां बड़ी ठंडी गुजरी है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं फिर आते हैं आपके सामने गेस्ट के साथ। ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया हो, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया हो, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया।
आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको आ जाए कहीं। ये हंसी वादियां ये समा प्यार का, आपके दिल में यूं यूं हुआ के नहीं। हो हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। हो धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। हो धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। जगमगाने लगा मेरे दिल का जहां, हम पे भी एक नजर हो इधर मेहरुबा। एक तुम क्यों हमें जोर करने लगे, बात ये है तुम्हें प्यार करने लगे ना। क्यों भला मैं तेरा दीवाना बन गया, क्यों भला मैं तेरा दीवाना बन गया। धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ओ धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ओ धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार अकबर बादशाह अकबर बीरबल वाह। नहीं ये तो अगर जी है गेंडा ये मलिक जी, हमारे गांव में जो पगड़ी पहनता है ना वो मलिक जी नहीं हाजी आगा जी। बस जी के साथ मलिक में ना आगा एक ही चीज है। एक सेकंड ये बात दोबारा करना, पहले मैंने अपने गेस्ट को जो इनवाइट किया उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम गेस्ट है। अभी नहीं मैं पहले बताऊं उनके बारे में। नाज़रीन मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ बहुत से कम लोग होते हैं पाकिस्तान में जिनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, और उनमें से एक ऐसी पर्सनैलिटी आई है वो इसलिए कि मुझे खुद बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि मैंने 12 साल में एमए किया है खुद। इस पे हंसी होनी चाहिए थी वैसे। बहुत मेहनत में किया था मैंने, 11 साल इंग्लिश में एमए किया और एक साल दो साल में जर्नलिज्म में किया। जर्नलिज्म में जल्दी कर गया। तो मैं एक ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा, मेरे पास तकरीबन मैं ढूंढता गया पूरी दुनिया में, गूगल में, विकिपीडिया में, और इस इंसान की वो जो अचीवमेंट्स थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने उसको मुख्तसरन करके मुख्तशॉर्ट करके रख दिया। ब्रेक लेते हैं फिर आते हैं, मैं आपको तफसील से बता दूं कि ये पर्सनैलिटी है कौन। नाज़रीन आई हैव अ लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि स्टार्ट एमए फिलॉसफी, उसके बाद एमए पॉलिटिकल साइंस, सर्टिफिकेट इन यूनिवर्सिटी टीचिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स स्ट्रासबर्ग,
सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स लॉ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स, और डिप्लोमा इन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स, स्टास, ये क्या है सर, स्ट्रासबर्ग, ओके, स्ट्रासबर्ग फ्रांस, अच्छा, एलएलबी ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम, बैरिस्टर एट लॉ लिंकन इन लंदन, एलएलएम इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, LLM International Law, University of London, LLM Human Rights Law, University of Essex, DPhil Research Scholar, Martin Luther University, Germany, PhD, Suicide Bombing in Pakistan, Qaid-e-Azam University, Pakistan, PhD in Religious Freedom and Blasphemy Laws, A Critical Appraisal, Wales, UK. मैम उम्र छोड़ो बड़ा जमस्ता, मैं भी आपकी तरह बोलने लगा, ये क्या हो गया यार, सारी डिग्रियां, तो 50 साल भी अगर किसी का इतना उम्र हो, यही तो सारी बात है, इंसान अगर कुछ करना चाहे तो सब कुछ कर सकते, ये सब कुछ इन्होंने अकेली जान पे किया, और एक नाम तुमने खुदकशी का भी रख दिया, कह दिया नहीं नहीं वो उस पे पीएचडी है, जी नाजरीन, तो स्पेशल असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ बैठे हुए जी, बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब, मैं खड़ा हो जाता हूं आपके लिए, माशाल्लाह खूबसूरत, हम तो ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन के लिए खड़े हुए हैं जिन्होंने प्राइमरी भी नहीं पढ़ी आप तो डिजर्व करते हैं मैं आज से 25 साल पहले हाँ क्या थे बागे नारायण के ऊपर वाले रेस्टोरेंट में बैठा था, अच्छा, और एक भड़कीला जोशीला रंग रंगीला नौजवान ऐसी वलवलंगेज तकरीरें करता था, ऐसी वलवलंगेज तकरीरें करता था कि मैं उसकी तकरीर सुन के पासवान में शामिल हुआ, अच्छा, उस पासवान के जो काफले के रूहे रवा थे वो ये थे, एग्जैक्टली, बिल्कुल, माशाल्लाह। नाज़रीन यही नहीं बल्कि सेनेटर भी और स्टैंडिंग कमेटी के भी रुकन, और बस सब इनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहले तो वेलकम टू लोशे विद ज़की और केटू टीवी पे आपको खुशामदीद, पूछने का सिर्फ एक मकसद है कि ये आजकल के नौजवान नस्ल जो है जो छुट्टियों के लिए जोर डाल रहे हैं बार बार, और शफकत महमूद साहब बार बार ट्रेंडिंग हो जाते हैं कि पढ़ना तो कैसे पढ़ना, किस तरह पढ़ना कि दिल लग जाए। देखें पढ़ाई तो एक इशू यह है कि यू हैव टू, मतलब उसमें दिलचस्पी लेनी होती है और जो आप काम कर रहे हैं उसको पैशन बनाना होता है, लेकिन पढ़ाई में दिलचस्पी लेना बड़ा मुश्किल काम है, और नौजवानों के लिए खास तौर पर इसमें इतनी अट्रैक्शन नहीं होती पढ़ाई में, सही बात, तो वो नेचुरली फिर इधर उधर के रास्ते तलाश करते हैं, लेकिन आपने अपनी एनर्जीज को उस टारगेट के साथ जो है चैनलाइज करना होता है, अगर आप वो कर जाते हैं तो फिर कोई काम भी मुश्किल नहीं होता। मसला ये है कि हम लोग, हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, हमें जो तालीम दी जाती है उसका जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, वो होता है कि आपको पैसे बनाने के काबिल बनाया जाए, एग्जैक्टली, उसमें इल्म की तलब या तरबियत, अपने नॉलेज को एक्सपेंड करना, इनहेंस करना, तरबियत, नेचुरली यहाँ पर तरबियत जो है वो इखलाकी या किरदार की तरबियत से ज्यादा अब स्किल्स की तरबियत है, आपको हुनर सिखाया जाता है, माहिर होना चाहिए किसी चीज में, एग्जैक्टली, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसमें फिर नौजवानों में चूंकि संजीदगी का फुकदान होता है इसलिए वो फिर थोड़ा प्रॉब्लम, एग्जैक्टली, सैफ साहब जो है ना, मैंने इनको बड़ा कम हंसते हुए देखा और मुस्कुराते हुए, तुमने गलत बोला, मैंने इधर से ठीक किया, आप कहते हैं आप तुमने नहीं, मैं होस्ट हूँ, वो तो अकेले है तो किस तरह दो हो गए, अच्छा शुरू करते हैं जी पहला सेगमेंट, बहुत खूबसूरत सेगमेंट है हमारा, जो भी यहाँ पे हमारे मेहमान आते हैं बहुत अच्छे, अच्छा लगता है उनको, ये यादें सेगमेंट है, और इसमें देखते हैं कि इनकी याददाश्त कितनी तेज है, कुछ तस्वीरें हमने जमा की हैं, इनसे पूछेंगे कि ये कहाँ किए हैं और क्या कर रहे हैं इस वक्त ये, और ये बात कौन सी हो रही है, लेट्स गो एंड वॉच यादें।
और फिर हमें बताइएगा कि ये कहां की तस्वीर है। देखनी हुआ है जी? बिल्कुल दिखाई जी। ओए होए 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 माशाल्लाह। कब की तस्वीर है कुछ याद है? अब अगर ये बताऊंगा तो काफी राज खोलने शुरू हो जाएंगे। ये निंगरहार अफगानिस्तान की तस्वीर है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड दैट वाज व्हेन? कौन सी क्लास में थे आप? क्लास में नहीं था मैं उस वक्त, अफगान जहाज में इन्वॉल्व था। अच्छा, 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 अच्छा। जबरदस्त। वाह जी वाह, इतने खूबसूरत इंसान। ओके नेक्स्ट हीरो। बिल्कुल हीरो, बिल्कुल। सर ये तस्वीर मैं देखिए बड़ी पॉपुलर हुई गूगल पे, जब मैंने जैसी टाइप की तो सबसे पहले ये निकली। ये कहां की है और इस वक्त? ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था और इसमें ये ईरानी स्पीकर के, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। हाँ। और साथ में जो है वो तुर्की के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं। वाह, मेमोरी देखी आपने माशाल्लाह। अभी तक तो जी फुल बटा फुल मार्क्स है। फिलहाल फिलहाल तो फुल बटा फुल मार्क्स है। नेक्स्ट तस्वीर दिखाई जाए जी। अच्छा ये कहां की है और पीछे किसकी तस्वीर है कुछ याद है आपको सर? जी ये ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना की तस्वीर है। अर्जेंटीना की तस्वीर जी, और पीछे उनके पार्लियामेंट के एक साबिक स्पीकर, जब शुरू के दिनों के उनके स्पीकर थे, उसकी तस्वीर है। वाह यार। और सर ये कौन सा सन, कौन सा है, रीसेंट है अभी? ये है आज से कोई सात साल पहले की तस्वीर। 7 साल पहले की बात है। वेरी नाइस, क्या बात है जी। नेक्स्ट दिखाएं जी। हाँ ये क्या हो रहा है सर? ये तो बहुत ही रीसेंट तस्वीर है। एकरा यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन था, उसमें मैं मेहमान खुसूसी था और ये नमाज दे रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले की तस्वीर। कुछ दिन पहले की तस्वीर। अच्छा ओके नेक्स्ट दिखाएं जी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर आने वाली है जी। नहीं ये नहीं है, चलो खैर ये भी देख लेते हैं पहले। ओके सर ये कहाँ की है? ये भी इस्लामाबाद का एक फंक्शन है और हाँ ये मैरियट में फंक्शन हो रहा है और उसमें मैं वहां फिर भी मेहमान खुसूसी हूं और इनके साथ पार्टिसिपेंट्स के साथ तस्वीर है। माशाल्लाह जी बहुत अच्छे लोग, स्पेशली यंगस्टर्स को अच्छा लगता है आपके साथ तस्वीर खिंचवाना। एक खान साहब के साथ, एक मेरे साथ और एक इनके साथ। और इनके साथ ये तो मतलब इसको पश्तो में नजर माता, नाजीन एक लफ्ज यूज करते हैं हम पश्तो में स्पेयर, आपको उर्दू में उसका मतलब मैं समझा नहीं पाऊंगा। आपको आसान नहीं है तो किस तरह समझाएंगे? आप समझा दें। नहीं उर्दू में है उसका लफ्ज। क्या कहता है? बदबख कहते हैं। मनहूस। सही सही सही। इसे तो वो सेवा चाहिए, ये मनहूस तो बिल्कुल। चले मनहूस ना तो चलो वो कारतूस। एग्जैक्टली। चलते जी नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। ओहो आई लव दिस पिक्चर। ये मेरा ख्याल है कोई बहरेन, वो सारी अरब्स बैठे हुए हैं लेफ्ट साइड पे। एंड ये जी उसकी है बहरेन पार्लियामेंट की स्पीकर है डॉक्टर फौजिया। अच्छा उनके साथ मेरी तस्वीरें ये आई थी और ये मैं उस था इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन कांग्रेस का सेक्रेटरी जनरल था और ये हमें विजिट करने आई थी। अच्छा अलॉन्ग विद आवर डेलीगेशन। हाँ क्योंकि मुझे लेकिन इसमें थोड़ी सी चीटिंग होगी मुझसे, मैंने बहरेन एकदम से कह दिया। नहीं सर लेकिन चलो खैर फुल मार्क्स। दिखाएं जी नेक्स्ट, दिखाएं नेक्स्ट, दिखाएं जी। ये भी पता लग जाता है ये इस वक्त पता नहीं सर कहां पे बैठे हैं, मुझे फौरन लग रहा है। ये तस्वीर है जी उसकी माल्टा में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, आई बिलीव ये वहां की है। माल्टा नहीं सॉरी गलत हो गया, ये है उसमें अदीस अबाबा में। अदीस अबाबा में बिल्कुल जी, और इथियोपिया में है। उसमें मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो झंडा है ये इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन कांग्रेस का है विच आई वाज होल्डिंग। यार अगर जी कैंटागार जी आपने भी जिंदगी गुजारी है, मतलब पिशावर से बाहर ही नहीं निकले यार। अदीस अबाबा रईस बाबा का बड़ा भाई था। नहीं ये इथियोपिया का शहर। पगड़ी के साथ झूठ। अच्छा ये किसी मुल्क का दारुल हुकूमत? हाँ
मनहूस नरिश्ते सादा गुला नहीं ये तो एक तो तू झूठ बोल का बुजुर्ग है ये तो उस बैरिस्टर साहब ने आपको नाम दिया हमने नहीं दिया ये तो बहुत एजाज की बात है आपको बैरिस्टर साहब ने एक नाम दिया नहीं नहीं बैरिस्टर साहब माजरत के साथ एक बात भूल नहीं मैंने आपको नाम नहीं दिया मैंने उस नाम का तर्जुमा किया उर्दू में जो इन्होंने दिया अब हो गया है कोई बात नहीं बस हम ऐसे ही मतलब इज्जतदार है आपने एक पश्तो फिल्म देखा था ओरबल उसमें दो नौकर आते हैं हुजरे में तो नंदर डेर खुशहाल है बोले अलग कोई खान रहा तो शोधे भी नहीं ओके जी नेक्स्ट दिखाएं शाबाश दिखाएं दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर अच्छा ये किसी क्रूज पे है नहीं ये जिबूती की जो मिलिट्री है उनकी उनकी नेवल फोर्स का वो है कि कश्ती है और ये रेड सी में है बहिर अहमर में ये मैंने देखा है रेड सी क्या बात है यार देखो यार आपने नीला सी नहीं देखा उन्होंने रेड भी देख लिया और तस्वीरें भी है और भी है दिखाई नहीं दिखाई नहीं आई लव दिस पिक्चर क्योंकि इसमें आप बिल्कुल ये बड़ा खुदे तब देखो यार तुम जो बोलता है नहीं तुम मैंने आई लव यू नहीं कहा मैंने कहा आई लव दिस पिक्चर अच्छा इसमें इसमें कहां पे हैं क्या हो रहा है सर ये फ्रांस है और यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग का कैफेटेरिया है और मैं अपने क्लास फेलोज के साथ बैठा हूँ ये दो खवातीन और ये तीन मर्द जो है चार मर्द ये मेरे साथ पढ़ रहे सर कुछ नाम याद है इनके अगर ये भी कहीं सोशल मीडिया पे देखे तो देख रहे खवातीन का तो नाम बिल्कुल याद है दोनों बेशुमार है ना बेशुमार बताए सर क्या नाम है ये जो रेड में है ये डॉक्टर सूजन है ये आजकल बॉस्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है उस वक्त जबरदस्त और ये जो दूसरी है ये मैरी लुईज इसका नाम है ये फ्रेंच है और ये आजकल एमनेस्टी इंटरनेशनल में मेरे ख्याल में आजकल एमनेस्टी इंटरनेशनल में माशाल्लाह बस मर्दों को छोड़ दे सर उसमें इंटरेस्ट नहीं है मत ये भी जो काम है ना वेल डन जकी साहब पगड़ी साहब एक बात बोलू नहीं आपको नहीं आपसे इजाजत ले तो आप तो जज्बे का मशर है ना हमारे गांव में जब इस तरह का पगड़ी पहन के मशर बैठता है जज्बे में तो वो जज्बे का से इधर आप गानों के लिए बैठा है नहीं खैर अच्छा जी मेरे कहने पे खैर सारा गुल अब आराम से बैठो सर जी से एक बात नहीं दूसरी तस्वीर दिखाएं इसके बाद अच्छा तस्वीर है और भी है सारी जिंदगी एल्बम है ये सर कोई फॉरेनर हैं आप उनको कोई सिविनियर दे रहे हैं मेरा ख्याल है या वो आपको सिविनियर दे रही हैं नहीं वो मैं ये मुझे दे रही है सिविनियर और ये बल्गारिया के एम्बेसडर है ये बल्गारिया के एम्बेसडर है जी ये खातून माशाल्लाह मैं समझा कोई मॉडल है नहीं रियली सर मतलब इतने प्यारे प्यारे एम्बेसडर है हमारे तो कुछ नहीं गोद है ना गोद है हमारे एक एम्बेसडर अताउल्लाह कासमी थे उनको जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मियां साहब को कहा अल्लाह का वास्ता इसे फिर न भिजवा दे वो नॉर्वे में एम्बेसडर थे बड़ी गलत जगह पे एम्बेसडर बने चले जी नेक्स्ट दिखाएं वाह ओए होए होए माशाल्लाह सर ये बचपन जी क्या है ये बचपन की तस्वीर है आपकी ये मेरी नौजवानी की तस्वीर है उस वक्त वो जवान थे अब नहीं लंदन थोड़ी ना पूछा लंदन ये बैकग्राउंड में लंदन है और बस यहाँ पे हूँ और बहुत ही डिप्रेस्ड मूड में हूँ क्यों ब्रेकअप हुआ था बस कुछ ऐसा ही समझ कुछ ऐसा ही हूँ आप जो कोई भी है अच्छा नहीं किया आपने आपको पता था कि बैरिस्टर सैफ साहब माशाल्लाह क्या बनने वाले हैं अब आप रो रहे होंगे जो भी हैं एनी हाउ नेक्स्ट दिखाएं सर तस्वीर दिखाएं ओह बड़ी जबरदस्त डिस्कशन चल रही है इस वक्त हाँ कौन कौन है नंबर दे रहा है ये आपके साथ हैं फारूक लगारी साहब के साथ बात क्या हो रही है अगर ये बता दिया सर मैं मान जाऊंगा बात ये हो रही है कि सर जल्द से जल्दी खत्म करें क्योंकि उसके बाद 1:30 बजे हमने एक और मीटिंग पे जाना और कब की बात है ये
ये है 1998 की, 1998 माशाल्लाह। मेरा ख्याल है फारूक लगारी साहब बैरिस्टर साहब को कह रहे हैं ये सियासी वफादारी तब्दील करने का नुस्खा क्या है। नहीं ये उन्हें कह रहे हैं। बस जो भी कह रहे हैं बात यही हो रही है। उस वक्त लगारी साहब ने खुद अपनी वफादारी पीपल्स पार्टी से दूसरी तरफ चेंज की जब बेनजीर की हुकूमत को खत्म किया था ये उन दिनों की बात। नेक्स्ट दिखाए जी बड़ा ये इस वक्त ये एक स्टूडेंट है या वो पासबान है या जो भी इस वक्त क्या हो रहा है सर ये चौक यादगार मुझे नजर आ रहा है। नहीं ये चौक यादगार नहीं है ये यादगार शुहदा है किसाखानी में। अच्छा उधर हम तकरीर का वो मुजाहरा कर रहे हैं। हाँ किसाखानी में मुजाहरा कर रहे हैं और मैं तकरीर कर रहा हूँ उस मुजाहरे पासबान ही का मुजाहरा था। जी वाह वाह क्या बात है यार माशाल्लाह। एंड दैट वाज बैक इन 1994 वाह क्या बात है जी। नेक्स्ट दिखाएं जी। अरे तो काफी तस्वीरें बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें सर अभी तो ऐसी ऐसी तस्वीर है ये बैरिस्टर साहब साहब तो सामने बैठे हैं पीछे जो बैठी हुई है वो कनखियों से देख रही है। जो कनखियों से देख रही है ये एनके स्मॉलिश है स्मॉलिश ये जर्मन मेरी दोस्त थी। अच्छा और दूसरी जो है वो हेलेन है वो शी इज फ्रॉम रोमानिया। अच्छा ये भी दोस्त थी वैसे ही पूछ रहा हूँ आपने तो साला उम्र ही तक देखा है पड़ा कब है ये बात है ये भी बहुत कम खुश नसीबों के हिस्से में आती है शादी खुशियां शुक्र है आपके नसीब में नहीं है। वो कहते हैं ना पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब तो अगर पढ़ोगे लिखोगे फिर तो दुनिया भी घूमोगे और बनोगे हाँ। सर पीएचडी करने से ये सब कुछ हो जाता है कि मैं भी एमफिल करूं पीएचडी करूं कुछ नहीं होता। दिखाएं जी हमारे पास और पिक्चर्स हैं। आई थिंक वी हैव गॉट अनदर पिक्चर जो एक इधर तो आप दिखाएं जी ये। अच्छा और इस वक्त ये भी एक मुजाहिरा है और उससे खिताब कर रहा हूँ। अच्छा मेगाफोन पे ये भी उस मेगाफोन पे क्या कह रहे हैं इस वक्त पासबानी के दिनों का मुजाहिरा नारे लगा रहा हूँ मेरे ख्याल में लगवा रहा हूँ 100 out of 100 माशाल्लाह यादाश्त के लिए क्या करना चाहिए यानी सर मेरा भी एक सवाल प्लीज, है प्लीज 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 मैं सर से ये पूछना चाह रही हूँ कि सर माशाल्लाह आपने इतनी पीएचडीज और ये सब की सब सर वो आप किस टाइम पढ़ते थे आप किस टाइम पढ़ता था हाँ बस पढ़ाई इसी माहौल में टाइमिंग शाइमिंग तो कभी नहीं रखी बस एक इनडिसिप्लिन किस्म की जिंदगी गुजारी है सही कह रही है फिर कैसी पीएचडीज और ये रिसर्च और बस ये पढ़ने वढ़ने का शौक हमेशा से था बचपन से था यूज टू रीड अ लॉट। अच्छा लेकिन मुझे एक और चीज थोड़ी सी बिकॉज एक टीचिंग का एक करियर रह चुका है तो मुझे फील ऐसे होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनका आईक्यू लेवल जरा ज्यादा होता है तो मेरा ख्याल है आपका आईक्यू लेवल जो है वो जरा अच्छा है। मेरा ख्याल में मेरा आईक्यू लेवल इतना नहीं है जितना मेरा ईक्यू लेवल ज्यादा ये क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट है IQ तो इंटेलिजेंट कोशेंट है ना एग्जैक्टली EQ जो है वो इमोशनल कोशेंट होता है। अच्छा और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो ये जबरदस्त इट मींस यू मस्ट बी इमोशनली इन्वॉल्वड इन व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई सेड व्हाई आई सेड कि आपको इट शुड बी योर पैशन जो भी आपने जिंदगी में करना उसको आपने पैशन बनाया पैशन के लिए इमोशनल कोशेंट बढ़ा बिल्कुल पैशन बनाना है सादा बोला भी दम कर पैशन बनाना है बिल्कुल लेकिन बीच में पगड़ियों खाक पैशन बनाया फैशन नहीं पैशन पैशन ये क्या होता है लिखा बस उर्दू में बोलो ना फिर नहीं समझेंगे पढ़ा लिखा नहीं है ना अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है कोई पढ़ा लिखा नहीं किस तरह सिर्फ पैशन से नहीं काम होता ना पैशन के साथ वो ईक्यू से रिलेटेड है लेकिन आईक्यू भी होना चाहिए ना लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि अकल ना होवे ते मोजा ही मोजा इधर वो ही साहब है सर मोजा ही है इधर इसकी मोजा ही है तेरी तो मोजा ही मोजा है भाई मोजा देखो मोजा देखो ये क्या है सर असल में इनका एक प्रॉब्लम है ना ये बात समझ
नहीं आती, पहले अच्छा। जोर से हंसते हैं, बाद में पूछते हैं इसका मतलब क्या है। हाँ, यार ये बेचारा ताली, तो बस ताली। आप मेरे साथ इस तरह की तस्वीरें बनाओ फिर देखो तुम्हारा मेरा अकल। मैं क्यों बनाऊँ आपके साथ तस्वीरें। अच्छा सर, एक 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 लोग जानना चाहेंगे बड़ी, बिकॉज यू हैव बीन टू सो मेनी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस, तो वहां भी को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं, आप कौन सी एक्टिविटी में ज्यादा हिस्सा लेते थे? पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स के अलावा सिंगिंग कभी की स्टेज पे आके, कंपेयरिंग की कभी स्टेज पे आके, क्रिकेट खेली, क्या किया? मैंने कोई मुहज्जब और ढंग का काम नहीं किया। इसलिए जब टाइम मिलता तो करता ना, टाइम किधर मिलता है, आला उम्र तो इल्बा में। अच्छा तो फिर भी नहीं, आई नेवर टुक पार्ट इन एनी इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर, ये जो होती है जिस तरह स्टूडेंट्स हाँ। करते हैं, मेरा कभी भी ये वो नहीं रहा। लेकिन मुझे आपको देख के और आपकी आवाज सुन के ऐसे लगता है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मैं दिया संकेत, मतलब नहीं, मतलब मुझे है ये एक्सपीरियंस है कि तो ऐसा है कुछ, कभी कोशिश की है? नेवर। जैसे कभी? मैं अभी कहूं कि कुछ गुनगुना दें, एनीथिंग जो आपने कभी कभी नहीं किया, कभी नहीं, कभी, नेवर नेवर। बस एक आम सा आदमी हूं, कोई खास सलाहियतें नहीं है, लेकिन यह है कि पॉलिटिक्स पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में तो सियासत ही की है सारी उम्र, यही नौजवानी में भी यही काम किए, और कुछ ऐसी काम किए हैं जो अब क्या आपको बताऊं, बस वो काम बताएं ना। जो नाज़रीन पहले राउंड में तो ये जीत गए माशाल्लाह 100 out of 100, इनको भी एक आधा नंबर दे दो ना मड़ा रुक्षा, और चलते हैं नेक्स्ट राउंड पे। नेक्स्ट राउंड हमारा जो है वो नहीं, हमारे इस वक्त सरप्राइज कॉलर हैं एक, और ये आप ही के पार्टी के हैं शायद या नहीं है, जानते हैं कौन है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी सर, आपने पहचानने हैं पहले कि कौन बात कर रहे हैं और कहां से जी? आवाज कब है? अच्छा ठीक है जी। नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा मैं बैरिस्टर साहब साहब को कह रहा हूँ। अच्छा जी, ये मुझे क्या पहचानेगा यार, ये पहचानने वाला बंदा थोड़ा है। क्लियर है कनो कि खबर ही उकड़ी। अच्छा बैरुल्ला भाई। जी 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 बिल्कुल, बैरुल्ला बात कर। अच्छा बैरुल्ला भाई, ऐसे है कि इस वक्त हम लाइव शो में बैठे हुए हैं, तो सैफ भाई के हवाले से कुछ बताइएगा ना, आपके जहन में कोई अच्छी ऐसी याद है जो? यार सैफ के बारे में तो पिछले 42 साल से एक एक लम्हा मुझे याद है। अच्छा, ये मेरे बचपन का साथी है, इंतहाई शरीर माशा, और इंतहाई इसके ना कर्दों से पेशावर यूनिवर्सिटी और पेशावर मेडिकल कॉलेज भरा पड़ा था माशाल्लाह। माशा। और ये इसके साथ हमेशा हमारी मुलाकात जेल में होती थी। और या फिर जब हम इसके वालिद साहब के पास जाते थे तो इसकी जगह हमें डांट पड़ती थी। अच्छा, कि वो आपका दोस्त तो जेल में है 6 दिनों से, तुम कैसे बाहर फिर रहे, ये पेशावर यूनिवर्सिटी की यादें हैं। अच्छा वाह क्या बात है जी। अच्छा बैरुल्ला साहब ये बताइएगा कि इनकी अच्छी आदत सबसे कौन सी है आपको लगती है? यार इसकी अच्छी आदत है तो ये कि ये जिंदगी में बहुत आगे चला गया। नहीं ये तो किस्मत है ना, आदत क्या है? नहीं, किस्मत ये किस्मत नहीं है, ये इसने बड़ी मेहनत की है, मेहनत किस्मत बड़ी खराब है। अच्छा बुरी आदत कौन सी है? यार बुरी आदत है भी इसकी बहुत ज्यादा है, कौन इसकी 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 कभी हमने अच्छी आदत देखी नहीं है इसकी लाइफ में। अच्छा हाँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप 42 साल से दोस्ती है आपकी? जी जी बिल्कुल, 42 साल माशाल्लाह माशाल्लाह। और सैफ साहब में और आप में कोई एक कॉमन बात जो वो उनमें भी है और आप में भी है, वो क्या है कि दोस्ती अभी तक कायम है? यार हम असल में मुखलिस हैं एक दूसरे के लिए, बहुत ज्यादा मुखलिस हैं एक दूसरे के लिए। हाँ। वाह बहुत अच्छे। और दूसरा इसकी जो सबसे अच्छी आदत है ना, हाँ ये हमेशा अपने कमिटमेंट पे
कड़ा रहता है, चाहे वो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ क्यों ना हो या मुशर्रफ साहब के साथ क्यों ना हो, जो पाकिस्तान के सबसे नापसंदीदा शख्सियात है उनके साथ भी इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है, कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है। थैंक यू सो मच। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि बुचैल की तरह से, ये भी हर चीज के साथ वो चमटा रहता है। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू। ये एक कामयाब बंदे की बात होती है। इट्स नॉट दैट कि ही हैज गॉट अ लाइब्रेरी ऑन हिज शोल्डर, सिर्फ ये बात नहीं होती है। मैन इज नोन बाय हिज ट्रेट्स, कैरेक्टर देखें, फिर जैसे इन्होंने कहा है कि कमिटमेंट प्लस, मेरे साथ कमिटमेंट की थी, आज इनकी तबीयत बहुत खराब थी लेकिन ये आए, थैंक यू सो मच सर। और दूसरी बात है कि टाइम से पहले आए, इन टाइम जैसे कहते हैं, जैसे बाबा ए कौम इन टाइम आते थे। हम तो यहाँ पे ये गैंडागार साहब जो हैं सबसे लेट आते हैं जी। बाबा हमारी उम्र में जब आप पहुंचोगे तो लेट क्या होगी। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट राउंड में। नेक्स्ट राउंड है रैपिड फायर राउंड, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर जी, मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, इसमें चॉइस नहीं है, दो ऑप्शंस में से एक जरूर चुनना है आपने और फिर रीजन भी बताना है कि मैंने ये क्यों चुना है। ओके जी, शैल वी, बिस्मिल्लाह, तीन या पांच सेकंड में जवाब देना है और फिर रीजन आराम से बता देंगे। खैर, पहला ऑप्शन है इमरान खान और परवेज मुशर्रफ, एक चुने। इमरान खान। Why? Because इमरान खान इस वक्त मैं उनके साथ हूं, परवेज मुशर्रफ साहब अब रिटायर हो चुके हैं और पॉलिटिक्स को छोड़ चुके हैं, तो चूंकि सियासत में अब इमरान खान के साथ हूं तो इसलिए इमरान खान। चलो, दैट्स वेरी ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्ट। लेकिन परवेज मुशर्रफ के साथ मेरी जो कमिटमेंट और जो दोस्ती और ताल्लुक है वो अपनी जगह पर, वो तो अलग चीज है ना सर। ओके, नंबर टू, मॉस्को और वॉशिंगटन डीसी। मॉस्को। व्हाई? वहां पर जिंदगी के कुछ ऐसे दिन गुजारे हैं जो कभी भूल नहीं सकता। बताएं ना सर कुछ, सॉरी कुछ तो जो बताएं ना। सेंसर्ड चीजें हैं, बात चीजें अच्छी। अच्छा, आप भी गए थे वहाँ? मेरे एक वाकिफ कार थे, अभी उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह बख्शे, मैं उनसे मिलने जाता था। अच्छा, उनका नाम था वड्डा काका। अच्छा अच्छा अच्छा, वड्डा काका। और मेरा शौक था मॉस्को जाने का, क्योंकि मेरी दादी मुझे कहती थी कि ताला वजह कोई काफ खा पे रह रहा हो, कोई काफ से तुम्हारे लिए परी लेकर आएंगे। तो फिर मैंने स्कूल में अपने उस्तादों से पूछिए कोई काफ किधर है, कहते ये रूस के आस पास है। मैंने कहा रूसी लोग बड़े खूबसूरत होते, कहते बहुत ज्यादा। तो मेरा बड़ा शौक था जाने का, लेकिन बस तो पिस्पजी के बाद क्या? वो क्या कहते हैं, चुड़ैल मिल गई। नहीं, ये आपने ख्वाब देखा था या हकीकत में इस तरह हुआ था? हकीकत में ऐसे हुआ। अच्छा, मैंने कहा शायद आप सोए हुए थे और आपने कोई काफ। अच्छा यार, बात छोड़ो यार, क्या ब्रेक कर रहे हो यार। लेकिन कोई काफ तो चेचनिया में, चेचनिया के जो पहाड़ हैं, बस वो तो उस वक्त तो सादा लोग थे ना जी, 70s की बात है। ओके जी, नेक्स्ट, जरदारी और नवाज शरीफ। जरदारी। व्हाई? जरदारी साहब के साथ ताल्लुक था और उन्होंने मुझे बड़ी हमेशा रिस्पेक्ट दी है, इसलिए। अच्छी बात है, ऑनेस्ट, वंस अगेन जी, बहुत अच्छी, तालियां तालियां। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक सुनते हैं सर आप? डेफिनेटली सुनते होंगे, आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे एक सॉन्ग, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन दोनों में से कौन सी आपकी पसंदीदा और क्यों? नसीबोलाल और आबदा परवीन। आबदा परवीन। व्हाई? बस उसकी गजलें और ये जो सूफियाना कलाम है वो काफी सुना है उसकी आवाज में, तो अब नसीबोलाल को सुना नहीं है इसलिए मैं उसके बारे में। नसीबोलाल को कभी नहीं सुना? नहीं सुना ना। और आबदा परवीन को भी बहुत पहले जब नौजवानी का दौर था उस वक्त सुना था थोड़ा बहुत। हाँ,
नसीबुल्लाल तो नसीबुल्लाल वाकई नहीं सुना। चले ओके ठीक है, बहुत अच्छा गाती है जी, बड़ी उनकी आवाज की पिच जो है ना, नहीं होगी डेफिनेटली डेफिनेटली अच्छी खातून होंगी और बासलाहियत होंगी, बहुत अच्छी, लेकिन मैंने सुना नहीं है। अच्छी की, अच्छा किया। उसका एक गाना बड़ा मशहूर है, मुंडा पटवारी था। हाँ अच्छा, वो तो नूरजहां ने गाया था, नूर फिर इसने भी गाया। अच्छा ओके जी, नेक्स्ट दो शहरों के नाम हम आपके सामने लेते हैं, कौन सा शहर ज्यादा पसंद है और क्यों? इस्लामाबाद, पेशावर? पेशावर। व्हाई? बिकॉज इट्स अ प्लेस जहां मैं, मेरी यादें हैं, मेरी जिंदगी का जो फॉर्मेटिव फेज था जब सोच परवान चढ़ रही थी, तो वो इस इलाके में हुई है, इसलिए। जबरदस्त जी, बहुत अच्छे। जो पेशावर में तो एक हफ्ता ही नहीं गुजारा जी। मैडम आप सुन नहीं रहे प्रोग्राम? हाँ। नहीं सुन रहा हूँ ना, तो तस्वीरों में तो पूरे यूरोप में है ना, तो पेशावर में किधर वक्त गुजारा? जब पेशावर में थे ना, जब ये पेशावर में थे दोस्त, वक्त आप सेंट्रल जेल में थे। अच्छा अच्छा एनी जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, ये हमें बताएगा कि भाई अगर एक 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 बंदा एक्सीडेंटली तो नहीं बने आप पॉलिटिशियन ना? ओके, दो ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं सर, लॉयर और पॉलिटिशियन, कौन सा चुनेंगे? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन व्हाई? लॉयर, लॉ इज जस्ट अ प्रोफेशन फॉर मी, वो मतलब बिकॉज आई वॉज क्वालिफाइड और मैंने उसमें काम कर रहा था तो, लेकिन मुझे उसका कोई कोई खास पैशनेटली मैं लॉ में अपना अपनी जिंदगी जो है वो समझता हूँ कि वो अगर बंदा कुछ और कर सकता है तो फिर कुछ और करे, वो जस्ट एक प्रोफेशन है। लेकिन अब ये तो मॉडलिंग कर सकती थी लेकिन उसको पैसे नहीं मिल रहे थे, एनजीओ खोली, एनजीओ खोली, अब माला माल है, इतने पैसे, पैसे ही पैसे, तो पैसे ही पैसे, पैसे इतने होने चाहिए कि बंदे का काम चलता रहे, बाकी क्या करूंगा, बाकी पैसों का क्या, क्या अपने साथ कफन में जेब नहीं होती है? बस इतने पैसे हों कि जितना आप यूरोप घूमे, आपकी फीमेल फ्रेंड्स थी, ऐसे मैं और आगा जी जाए यूरोप, आगा जी के साथ, हाँ मैं और आगा जी जाएंगे ना, कि मेरे पास नहीं है। दादा के साथ किधर जा रही है? ओए ये अंगूठी क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये जब भी मैं खूबसूरत लड़की को देखता हूँ ना, तो मुझे ये अंगूठी याद आती है। कहाँ से लाए हो? जेब से निकाल, कहाँ से लाए हो? हाँ जी, किसके लिए? तो ये तो लड़कियों के लिए है ना। कहाँ से लाए हो यार? अंदर शेख से। ये तो मुझे शेख रशीद साहब का तोहफा लगता है। चोरी की है? चोरी? चोरी नहीं की है, चोर, किसी ने मेरा दिल चोरी की है। किसने? आराम से बैठे, आराम से बैठे, देखिए ये प्रपोजल वाला प्रोग्राम नहीं है सर, अभी तो मैं छोटी हूँ ना। ओ हाँ, तो बच्ची बहुत छोटी है, आप मैं छोटी हूँ बेचारी बच्ची। ओके जी, ये बीच में परदादा नहीं होता ना, मैं आपको बता दे। ओके बैरिस्टर साहब, विंटर्स और समर्स? विंटर्स। क्यों? I love winters. हमेशा जिंदगी की अच्छी यादें विंटर्स के साथ वापस आई है। This is true. लेकिन विंटर्स में बंदा बीमार ज्यादा होता है, समर्स में बीमार नहीं होता, मसला ये है। मेरे ख्याल में गिवन अ चॉइस, मैं हमेशा विंटर्स, कोई पाकिस्तान की समर से तो नफरत है। हाँ ये है कि वो पसीने और धूल मिट्टी। ओके जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। बिल्कुल सादा गुल के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसकी बीवी मर चुकी है, समझ नहीं आ रहा है, इधर टांगा चल रहा है। अच्छा, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? फॉर मी इट्स लव, बिकॉज आई गॉट मैरिड टू अ लेडी हुम आई लव्ड इन इंग्लैंड एंड गॉट मैरिड टू हर। माशाल्लाह, ये समझ नहीं है कब का वाकया है। जा तो ठहर, मैं जब यूके में पढ़ा था मेरे साथ थी तो बस उससे शादी हो गई। माशाल्लाह। नहीं, प्रपोज आपने किया, उन्होंने किया? बस ताल्लुक बन गया था और फिर शादी हो गई। प्रपोज किया आपने बाकायदा? नहीं ऐसा, बल्कि अगर सही मानों में बताऊं तो उसने मुझे प्रपोज किया था। वाह यार, क्या किस्मत है यार, डूम मत हो। एक तो आप हो गए जेब में अंगूठी फिराते हो हर एक लड़की को दे, एक ऐसे लोग हैं जिनको लड़कियां प्रपोज करती हैं और इसको डिस्पोज आप किए, लेकिन अब तक भुगत भी रहा हूं। इसलिए अंगूठी जेब में रख लो।
मेरा मशवरा ये रख लो जेब जेब में रख लो भाई, इसका कोई फायदा नहीं है। वापस रख लो बच्चे उससे। ओके सर, बच्चे हैं माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? दो मेरे अपने बच्चे हैं, बेटा और बेटी, और एक एडॉप्टेड बच्चा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नेम्स लेना चाहेंगे? जी, बेटे का नाम ज़मरक है, ज़मरक खान, और बेटी का नाम है सोफिया ज़ैनब। माशाल्लाह। और जो छोटा बच्चा है उसका नाम आदम, मोहम्मद आदम। ब्यूटीफुल जी, बहुत। मेरे नवासे का नाम भी आदम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके जी, नेक्स्ट। अल्लाह ताला मुझे बेटा दे दे, मैं यही नाम रखूंगा। कौन सा मुझे को दे? इस उम्र में, इस उम्र में तुझे बेटा नहीं फटकार देगा। बस कर ले यार, पैदल दौड़ते हैं ना पगड़ी। ये दौड़ने से नहीं होता। तो तुम्हारे पांव काम करते हैं? है जी, तुम्हारे पांव काम करते हैं? पांव खुद ब खुद काम करेंगे जब लड़की राजी हो जाए शादी। सर से पूछे, इसने मुझे देख के क्यों कहा? इससे पूछे, इसको देख के क्यों कहा आपने शादी के लिए? आप इसको देख के क्यों कहा? मैं इंस्ट्रक्शन है ना, इंस्ट्रक्शन वो अंग्रेजी में क्या? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन वही। सर देखे, ऐसे बंदे से मैं शादी करूं जिसकी मैं इंग्लिश ही ठीक करती हूं? अगर किस्मत में हो ना तुम्हारी, दादी भी इनकार नहीं करती। वो तो बहुत हो गई है ना, चुप हो गए, अल्लाह उन्हें बख्शे। ओके जी, नेक्स्ट, सेकंड लास्ट वन। हदीके कियानी और हुमैरे चन्ना। हदीका कियानी, व्हाई? व्हाई? बस एक दिन एक गवादर में एक महफिल में उससे मुलाकात हुई थी और उसका गाना सुना था, तो इसलिए चूंकि ताल्लुक होता है तो उसको उसको मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब तो एक्टिंग भी शुरू कर दी है उन्होंने। जी, मतलब बंदे को वो काम करना चाहिए जो आता हो। ओके, लास्ट वन मेरे साहब, लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और मुझे इसका रीजन बताएंगे आप। जानना चाहूंगा कि एक इंटेलिजेंट इंसान जिसका आईक्यू लेवल और ईक्यू लेवल दोनों बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, वो उनकी रीजनिंग क्या है दो ऐसे एक्स प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सुपर पावर के रह चुके हैं, जो बाइडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप, किसको चुनेंगे? जो बाइडेन। व्हाई? इसलिए कि मेरे ख्याल में सियासत जो है ये एक संजीदा काम है और इसके लिए संजीदा लोगों को होना चाहिए। और आई बिलीव दैट बाइडेन हैज मोर मैच्योरिटी एज कंपेयर टू द अदर जेंटलमैन। क्या बात, ये बात सही है वैसे। समझ गया मैं समझ गया। अच्छा, हमारी पॉलिटिक्स मैच्योर हो गई है? नहीं हुई, अनफॉर्चुनेटली नहीं। हमारी पॉलिटिक्स मैच्योर तब होगी जब हमारा माशरा मैच्योर होगा, और हमारा माशरा तब मैच्योर होगा जब हमारे माशरे के सोशियो कल्चरल नॉर्म्स और सोशियो इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है ये जब चेंज होगी और ये ट्रांसफॉर्म होके इंप्रूव होगी, इवॉल्व होगी, तो तब हमारा माशरा चेंज होगा। जब माशरा चेंज हो जाएगा तो पॉलिटिक्स खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। नहीं तो ये कैसे होगा, कौन करेगा, शुरुआत कौन करेगा? मैं इसके लिए कुछ चीजें जो है वो ऊपर से करनी पड़ेंगी और कुछ नीचे से जाएंगी। और ऊपर से जो है वो ये है कि आपको माशरे में बाज ऐसे इंटरवेंशन करने पड़ते हैं जिन सोसाइटीज ने चेंज किया है माशरे को, जिन सोसाइटीज में ये चेंज आया है वहां पर हमेशा स्टेट की तरफ से कुछ इस तरह के इंटरवेंशन होती हैं कि आप उन जो है जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं उनको आप तोड़ देते हैं जो इवोल्यूशन की रास्ते में, इर्तिका के रास्ते में रुकावट होते हैं। जबरदस्त। और दूसरा यह है कि फिर आवाम के अंदर आगही बहुत जरूरी है कि वो खुद पहले ये डिसाइड करें कि वो चेंज होना चाहते हैं कि नहीं। मेरी राय में हमारे लोग, हमारी कौम इस वक्त जिस ज़हनी और नफ्सियाती सतह पे है ये तंग जरूर है और तब्दीली की और तरक्की की ख्वाहिश जरूर रखते हैं, लेकिन तब्दीली और तरक्की के लिए जो कुर्बानी और जो एफर्ट करनी पड़ती है एक वो विल नहीं है और दूसरा डायरेक्शन नहीं है। वेरी यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट योर विल और विदाउट योर विल पावर और डायरेक्शन। अगर किसी ने दे भी दी और आप कुछ चलना नहीं आता उस पर फिर भी ठीक नहीं है, ये भी मसला है। इसलिए तो सदारती निजाम, सदारती निजाम ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, सॉरी गलती से निकल गया मेरे मुंह से। सदारती निजाम अभी बिरस्टर साहब ने कहा कि तब्दीली के लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। हाँ, गवर्नर साहब ने, सॉरी तो बिरस्टर साहब ने अभी कहा जी। तो ये सदारती निजाम जो ट्रेंड चल रहा है बार बार, इसके हवाले से क्या कहेंगे सर? ये तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया की हद तक ही है, और लेकिन मैं इसके बारे में जाती तौर पर समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए जो सिस्टम है वो हाइब्रिड होना चाहिए। सही। हमने किया ये, हम बेसिकली नकालों की कौम है।
और हम नकल करके खुश होते हैं क्योंकि आसान तरीका होता है। हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को इम्पोज करके अपने मुल्क में किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जिसको चलाने के लिए जो सोसाइटी का जो कि जो डायनेमिक्स है, जो सुपर स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, वो उस पार्लियामेंट्री निज़ाम के लिए फिट नहीं है। इसलिए मेरी राय में हमारे लिए जो सियासी निज़ाम में जो मुश्किलात हैं वो इस वजह से हैं। अब अगर इसको आप हाइब्रिड कर दें, मतलब सबसे पहले तो आप अपना जो आपका इंतखाबी निज़ाम है उसको आप चेंज करें, ठीक, अगर वो आप चेंज करेंगे तो आप चेंजेस देखेंगे, सही। लेकिन हम चूंकि रिवायत पसंद लोग हैं और थोड़े से काहिल भी हैं, ज्यादा तजुर्बे नहीं करते, हाँ, तो बस हमने वही मॉडल अपनाए हुए और चलते जा रहे हैं। जैसे ही दाखिल हुए बैरिस्टर सैफ साहब तो एक खूबसूरत सा मदरुश्ती का गाना उन्होंने सुनाया, तो वक्फे में बैरिस्टर साहब ने कहा कि ये मेरा फेवरेट गाना है। एक और हो जाए खूबसूरत सा, जरा यादें, पिछली यादें जो बैरिस्टर साहब को ले जाए नॉस्टैल्जिया में, जो थोड़ी देर पहले ये जिक्र कर रहे थे। उन यादों में मैं हर वक्त फंसा रहता हूं, इसलिए आप भी मेरे दोस्त ये अच्छा बंदा है, शरीफ बंदा है। ये हमारा आखिरी गाना है सर जी, वो तो गाती है ना, तो इनके चेहरे पे मैंने एक तब्दीली सी देखी और फिर एक शेर बेख्तियारा मेरे जहन में बेख्तियार आया, क्या, कभी कभी तो वो शब के उदास लम्हों में गए दिनों की कोई बात सोचता होगा। वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, आपको समझ आई? और इसको तो समझ नहीं आ रही भी, ये तब भी वो नहीं है, मैं बाद में पूछूंगा किसी से। अच्छा जी, हम अतौल्ला साहब के गाने कोई सुना रहे हैं, चलें चलें। कमीज तेरी काली विसुने फुलावाली, कमीज तेरी काली विसुने फुलावाली, अवे बसे तू बले असा करनी नी रे, अवे बसे तू बले असा करनी नी रे, तेनु लेके जाना है मिया वाली, कमीज तेरी कमीज तेरी कमीज तेरी काली नी सोने फुलावाली, तेनू सजदा मत उते सजदा, तेनू सजदा मत उते सजदा, तेनू जिन्ना भी मैं तका नहीं रज दिया अखा, तेनू जिन्ना भी मैं तका नहीं रज दिया अखा, तेनू तकिया दिल नहीं रजदा, कमीज तेरी कमीज तेरी कमीज तेरी काली मैं सोने फुलावाली। जुल्फा चले निकाले काले चले, निजुल्फा चले निकाले काले चले, तेनू तका पहली बार लुटा दिल दा करार, तेनू तका पहली बार लुटा दिल दा करार, असा तेरे पीछे हो गए जल्ले, कमीज तेरी काली सोने फुलावाली, कमीज
जिंद तेरी काली सुन फुलवारी अमीज तेरी अमीज पवे बसे तू वले असा करनी नी रे पवे बसे तू वले असा करनी नी रे तेन लेके जाना है मिया वाली कमीज तेरी काली सुन फुलवारी कमीज तेरी काली सुन फुलवारी कमीज तेरी कमीज तेरी काली जकी और आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसे इंसान बैठे हुए हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं शुक्रिया और बहुत कामयाब इंसान बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले जबरदस्त माशाल्लाह और ऐसे इंसान जो बहुत हम्बल भी हैं कम्बल भी हूँ और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ यार अच्छा तो मैं फजूल लगा हूँ शुक्रिया मैं आप तो सुने से मैं बात किसकी तो मुंह में नहीं सजा पे तारीफ सर जी का कर रहे हो नुसर जी की बात कर रहा हूँ मैं मेहमान की बात कर मेहमान अच्छा सर एक चीज लोग जानना चाहेंगे कि लाइफ में हर जगह आप गए इतने ज्यादा सबसे ज्यादा कौन सा मुल्क पसंद आया और क्यों बोस्निया क्यों बस फिर कहूंगा कि ज्यादा तफसील में नहीं जाते हम समझ गए लेकिन अच्छा अगर मैं ये कहूं कि वहीद मुराद के लिए चॉकलेट हीरो था तो हमारा चॉकलेट पॉलिटिशियन जो है वो सैफ भाई मैं जरा थोड़ी सी वजाहत कर दूं हर चीज के नीचे एक होता है ना एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन में मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब वो नहीं है जो आप ले रहे हैं वो नहीं है ये आप तो, भी बस ये तो मैं कच्चा हो गया हूं लेकिन जब खैर है कोई नहीं अच्छा नाकाबले फरामोश वाकया जो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलता जिसको अभी भी आप याद करते हैं चाहे वो बचपन का क्यों ना हो तो आपकी हंसी छूट जाती है अंग्रेजों के बीच में हो या आप अंग्रेजों से ना निकले कभी गुलाम इंसान तो कोई ऐसा वाकया जो अभी भी आप याद करते हो कहते हो या एकदम से हंसी आ जाती है आपको या यकीन नहीं आता बस कई वाकया आते हैं देखिए साहब देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इवेंट्स लेकिन अब हंसी वाला वाकया तो जिंदगी में कोई ऐसा सच नहीं है कोई इतना कोई खास बस वाकयात बहुत से हैं लेकिन एक कोई बता दे नाकाबले फरामोश जो कभी नहीं भूलता आप जब मैंने क्या कहूँ अब मैं कई वाकयात ऐसे तो कई वाकयात शादियों में होता है शादी का वाकया तो खैर ऐसा नहीं है लेकिन यह है कि हाँ है तालीमी मैदान में भी हैं बाकी भी हैं प्रोफेशनल भी हैं कई चीजें तो बस डिफरेंट वाकयात हैं ठीक है आई डोंट नो सही कहूँ मुझे अभी आपको याद नहीं आ रहा नहीं कई चीजें इसलिए मैं थोड़ा सा वो जरा पिन पॉइंट नहीं फोकस कर रहे हैं कि पिन पॉइंट किस सबसे अच्छा कौन सा है सबसे अच्छा कौन सा हाँ वही ना उसकी हाँ, थोड़ा वो फिर इंसान जैसे जैसे अगर हादसों की तरफ आ जाए तो शाहजी एक दफा कुएं में गिर गए थे और जिंदा निकले कुएं में मैं भी गिरा था मोटरसाइकिल समेत मैं भी अच्छा मोटरसाइकिल अच्छा सब कुएं में मोटरसाइकिल समेत कैसे सब गिरे हो बस वो मोटरसाइकिल चला रहा था और वो कुआं था और मुझे जब गया तो उसका वो टायर पिछला स्लिप हो गया और मैं मोटरसाइकिल समेत कुएं गया फिर किसने निकला तो फिर सर जी आप जिंदा निकल गए हाँ वैसे मैं कई जगहों से जिंदा निकला माशाल्लाह अच्छा ये कुआं अजीब चीज है कुएं में मैं भी गिर चुका हूँ और मुझे तो मरने के बाद निकाला था अच्छा ने दूसरी जिंदगी दी फिर आप गिरे हैं कभी शायद कुएं में नहीं मैंने कभी कुआं देखा भी नहीं अच्छा आप गिनी हो आप क्यों पूछ रहे हो नहीं आप गिनी हो
हक बनता है, लेकिन बीच में ये पगड़ी बैठा। आपने इससे नहीं पूछना, ये अगर कुआं होता ना तो मैं इसमें गिरता। अच्छा सर, ये तो एक होता है बचपन, एक जवानी और एक अभी आपकी एज है लड़कपन। बेस्ट एज कौन सी है आपकी, आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में अभी बेस्ट है। अभी बेस्ट है जी, माशाल्लाह सदाबहार हो। अभी लोग कहते हैं कि जो गोल्डन ईयर्स होते हैं इंसान के, वो बचपन के होते हैं। एग्री करेंगे आप इस? क्योंकि आपका कॉन्शियस कॉग्निशन लेवल इतना नहीं होता उस वक्त। हाँ, तो मेरे ख्याल में इंसान चूंकि एक इंटेलिजेंट बीइंग है, इसलिए जी अकल है, जी शऊर है, इसलिए जब आपकी समझ का स्कोप बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो आपको मेच्योर एज में ही आ सकती है, और तभी आप जिंदगी की चीजों को परख भी सकते हैं और एंजॉय या ना एंजॉय करने का फैसला भी आप कर सकते हैं। एवरग्रीन रहने का राज क्या है आपके? मेरा ये तो मुझे किसी से पूछना पड़ेगा जो एवरग्रीन हो। नहीं रियली, लोग जानना चाहते हैं। माशाल्लाह, मैं समझता हूं कि शायद मैं दिल से जीता हूं, इसलिए शायद कॉज आई फील थिंग्स पैशनेटली एंड डीपली, और मैं मेरे जिंदगी के फैसले, मेरे जिंदगी के डिसीजंस, डायरेक्शन सब मेरे दिल के फैसले होते हैं, मैं अकल का इस्तेमाल कम करता हूं। वाह बहुत अच्छा। लोग कहते हैं दिमाग की सुनो। नहीं, दिमाग की सुननी नहीं चाहिए, दिमाग को इस्तेमाल कर। दिमाग का मेरी राय में रोल इतना ही है जितना गाड़ी में हेडलाइट्स का होता है। बस असल जो ताकत है वो इंजन में होती है। हेडलाइट्स आपको थोड़े या इंडिकेटर्स आपको बता देते हैं जी इधर ना जाओ, इधर जाओ, ये ब्रेक लगा। कमजोर है बाकी जहां तक ताल्लुक है, दिल के फैसले होने चाहिए, जो दिल का, लेकिन दिल के साथ दिमाग का रिश्ता भी होना चाहिए जरूर। बट इट्स योर हार्ट दैट शुड गाइड यू एंड ड्राइव यू। जिंदगी में इंसान दो दफा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तीन दफा बन सकते हैं, बन सकते हैं, बने मुल्क में बन सकते हैं। चुप कर जाना, सवाल बड़ा प्यारा है। हमारे मुल्क में तो लोग चौथी मरतबा भी सोच रहे हैं। सुनो, गौर से सुनो जरा शाहजी, जैसे एक दफा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, दूसरी दफा, तीसरी दफा, इस दफा दूसरी दफा प्यार भी हो सकता है। वो कहते हैं कि पहली नाकाम मोहब्बत का इलाज दूसरी कामयाब मोहब्बत है, और दूसरी नाकाम मोहब्बत का इलाज तीसरी कामयाब मोहब्बत है। बता करते जाए, जब कामयाबी मिल जाए दूसरी को। बहुत अच्छे। ये जो शाहजी के और आपके कुछ दोस्त हैं और मेरे, जिन्होंने दो दो शादियां की या तीन तीन, जी जी प्लीज, शादी हो जाए नाकाम मोहब्बत उसे कहते हैं या ना हो, शादी जो है ना ये एक स्टेप है। ये इसका कोई ताल्लुक मोहब्बत से नहीं है। हाँ, ओके। मेरे ख्याल में मोहब्बत कुछ और चीज है। अब जिससे मैंने मोहब्बत की वो मुझे नहीं मिली। सही बात, वही बात ना, शादी नहीं। मैं नहीं समझता कि मोहब्बत जो है उसका शादी के साथ कोई ताल्लुक है। शादी तो एक सामाजिक बंधन है, मोहब्बत जो है ना वो आपके दिल का वो होता है, नॉट नेसेसरीली कि आप शादी करें उससे। तो ये मैं पूछ रहा था कि जो हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं, आपके भी होंगे, जिन्होंने दो या तीन शादियां की हैं, तो उनका क्या मसला है? मतलब मेरे ख्याल में उनका मसला नफ्सियाती और कोई ज़हनी खराबी का है, इससे ज्यादा नहीं। यही सवाल अगर आप शहबाज शरीफ से या मुस्तफा खर से पूछते तो सही जवाब। हाँ, वो सही जवाब देते ना, वो एक्सपीरियंस भाई। जी एक्सपीरियंस। अच्छा, यानी आप कुछ पूछना चाहती थी इनसे एनजीओ के बारे में? हाँ, सर आप प्लीज चुप करें। सर मैं आपसे पूछना चाहती थी कि मैंने अभी रिसेंटली एनजीओ ओपन किया ना, ये मेरे पार्टनर है आगा जी। तो पार्टनर इन क्राइम, ये बड़े अरसे से पार्टनर है, इनके भी पार्टनर रह चुके हैं। इनके साथ जरा प्यार से बोलो। हाँ। और राघव जी क्या कर रही हूँ? चले। तो सर मैं पूछना चाह रही थी कि आप कोई डोनेशन वगैरह देना चाहते हो हमारी एनजीओ को ना? हाँ। हम लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं, इन जैसे गरीबों की। देखिए, इन जैसे गरीबों की मदद करो, साथ आके अंगूठी लेके बैठ जाते हैं। देखिए, तो गरीबों की मदद करते हैं, जिनके घर राशन नहीं होता, सर को भी देते हैं। पूछिए हमने। यार मैंने आपको सवाल सर, मैं डोनेशन का पूछना चाहती थी, आप हमारी एनजीओ के लिए कुछ कर सकते नहीं, हैं? वो आपने जो ऑब्जेक्टिव बताया ना, गरीब लोगों की मदद, और फिर आपने उनकी तरफ इशारा करके कहा कि इन जैसे ने, इसका मतलब है कि आप गलत जगह पे डोनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हाँ ना,
जी सर मैं पूछ रही थी कि आप हमारी एनजीओ के लिए डोनेशन अगर देना चाहते हैं तो नहीं क्योंकि गलत दे रही है गलत दे रही है अगर मैं सही दूंगी तब आप डोनेशन देंगे हाँ फिर सही है देंगे फिर सही है मतलब आप सदाम को दे दें उधर अपना आजम को दे दें ठीक है अंडे बेच तो पहले इतने मोटे लगते ही गरीब है ओके सर सामने आपके कैमरा है यूथ आपके सामने है क्या कहना चाहेंगे ऐसी बात जोन के लिए एक मशाल राह बने यूथ मैं समझता हूं कि जो आज के दौर के तकाजे हैं उनको समझ के उनके मुताबिक अपने आप को जिंदगी के लिए तैयार करें और जिंदगी को किसी के बताए हुए कवानीन या उसूलों के तहत नहीं बल्कि अपने शऊर और अपने कैरेक्टर की स्ट्रेंथ से जिए इट वॉज वेरी नाइस हैविंग यू थैंक यू सो मच थैंक यू बैठे रहे सर बैठे रहे प्लीज बहुत से लोगों ने जिनसे मैंने पहले बात की थी कि आज मेरे मेहमान बैरिस्टर सैफ साहब है तो वो कहते यार बंदा तो मुस्कुराता भी नहीं मैंने कहा नहीं ये हर इंसान के अपने एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस माहौल को कैसे डेवलप करते हो मुझे बड़ी खुशी है कि आज का प्रोग्राम मैंने खुद बहुत इंजॉय किया थैंक यू और आपके जितने भी फैंस होंगे उनने भी इंजॉय किया होगा डेफिनेटली शाहजी के तो फिर भी थोड़े बहुत हैं जी। ये इस मनहूस के कोई अच्छा तेरा नाम तो पक्का हो गया भाई किसका तेरा चढ़ू मनहूस नहीं जी नहीं नहीं ये तो ऐसे पास बिग एग्जांपल उसने बताया फॉर एग्जांपल होता है फॉर बिग एग्जांपल नहीं होता ओके जी एंड में क्या सुनाएंगे अकबर पिछले जमाने में जरा चले 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 चलते हैं जी जाने मन तुझको मैं दे सकूं